डी फार्म और फार्म डी का डिफरेंस क्या है, इन दो कोर्स करने में किसका खर्चा कितना आता है, और इन कोर्स करने के बाद स्कोप क्या है भारत में, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। डी फार्म डेट मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का कोर्स है और 3 महीना का इंटर्नशिप है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। फार्म डी डेट मीन्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये 5 साल का कोर्स है और 5 साल के बाद 1 साल इंटर्नशिप है, डेट मीन्स टोटल 6 ईयर्स ड्यूरेशन। फार्म डी ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आपको अपना स्टेट का एंट्रेंस देना होता है, उस एंट्रेंस के बेसिस आपका एडमिशन होता है, और उस स्टेट में एडमिशन डायरेक्ट होता है मेरिट बेसिस। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो डिफरेंट स्टेट में इसका फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। कुछ स्टेट में 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ स्टेट में 2 लाख, एवरेज अगर हम बात करें 3 लाख से 4 लाख पैसा सारा खर्चा मिलाकर होता है। लेकिन अगर हम फार्म डी की बात करें, वही सेम अलग अलग स्टेट का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। कुछ स्टेट में 15 लाख, 17 लाख सिर्फ कॉलेज का फीस है, अब कुछ स्टेट में 8 लाख, 9 लाख इस तरह का फीस है। दैट मीन्स अगर वो 17-18 लाख में आप एडमिशन लेते हैं तो 20 लाख से ज़्यादा आपका खर्चा आता है। लेकिन अगर आप 8 लाख, 9 लाख वाला कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो तकरीबन 12 से 13 लाख खर्चा आता है। डी फार्म दैट मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये कोर्स करने के बाद आप अपना नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फार्म डी करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। दोनों ही कोर्स करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन जाओगे। सरकारी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलेगा, उसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकते हैं। अगर जॉब नहीं मिलते हैं तो आप अपना खुद का प्राइवेट फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करने के बाद आप हॉस्पिटल के क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। क्लिनिकल फार्मासिस्ट होने के लिए फार्म डी का डिग्री होना मैंडेटरी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप कॉलेज का टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 साल का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स करते हैं तो फार्मेसी कॉलेजेस का टीचर बन सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि YouTube की तरफ से हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।